8 ओवर्स के बाद 63 पर 3 ऑस्ट्रेलियाई टीम। डेविड वार्नर 30 रन्स बनाकर पवेलियन, क्लेन मैक्सवेल 14 रन्स 9 बॉल्स में बनाए और पवेलियन गए। मिचेल सैंटर अब तक 2 विकेट झटक चुके हैं कंगारू बल्लेबाजों के। डॉट बॉल कोई कनेक्शन नहीं, लगातार 2 डॉट बॉल्स मिचेल सैंटर की। इस बार ये कनेक्शन आवाज आई है और ये विकेट। पैर का इशारा आउट, दोबारा देखिए शॉट खेलने की कोशिश। बॉल बैट में लगकर गई सीधे विकेट कीपर के पास। पवेलियन रवाना, क्रिस लिन 6 रन बनाकर पवेलियन। चौथा विकेट ऑस्ट्रेलियाई टीम का गिरता हुआ। अगली बॉल मिचेल सेंटर की, इस बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास और सही कनेक्शन। बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर मैक्सिमम के लिए। आते ही 6 के साथ की है शुरुआत इस बैटर ने। दोबारा देखिए कैसे खड़े खड़े सिर्फ टाइम किया बॉल को। ताकत भरा शॉट, तेजी से बैट चलाया और मैक्सिमम में तब्दील किया इस बॉल को। एक अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, कहीं ना कहीं परेशानी में डाला मिचेल सैंटर को। इस बार फील्डर है, मिलेंगे सिर्फ 2 रन। मार्कस स्टोनिस एक अच्छी बैटिंग, इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश लेकिन कोई कनेक्शन नहीं। 9 ओवर्स के बाद 71 रन पर ऑस्ट्रेलिया टीम विद द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। जिमी सब 1 ओवर 7 रन। अच्छी बॉलिंग अभी तक इस मैच में। स्मार्ट शॉट, सिर्फ कट लगाया और 4 रन। एरॉन फिंच कमाल का शॉट, दोबारा देखिए इस शॉट को। फुल लेंथ में बटकी हुई बॉल लेकिन हल्का सा सॉफ्ट टच दिया बॉल को, जाने दिया बाउंड्री लाइन की तरफ। अगली बॉल जेमी निसम की, फिंच के लिए। इस बार कोई कनेक्शन नहीं, डॉट बॉल। अगली बॉल जेमी निसम की और यॉर्कर बॉल और क्लीन बोल्ट। एक और विकेट गिरता हुआ ऑस्ट्रेलियाई टीम का। दोबारा देखिए इस यॉर्कर को, एकदम सटीक जगह पे रखी यॉर्कर। चकमा खा गया एरॉन फिंच, ऑफ स्टंप से जा टकराई ये बॉल, बाहर गया एरॉन। बॉल गई विकेट के अंदर और बाहर हुए एरॉन फिंच। एलन कैरी बॉल पीट हुए, अगली बॉल इस बार जोरदार आउट किया फिर। नॉट आउट लेकिन रिव्यू अभी भी है कीवी टीम के पास, लेकिन रिव्यू लेने का कोई इरादा दिखाई पड़ नहीं रहा फील्ड में। 10 ओवर्स के बाद 75 पर 5 ऑस्ट्रेलिया टीम। 32 रन्स की ओपनिंग पार्टनरशिप, इसके बाद कोई भी पार्टनरशिप ज़्यादा देर टिकी नहीं। डेविड वार्नर 20 बॉल्स पर 30 रन, अभी तक सबसे ज़्यादा रन डेविड वार्नर ने बनाए हैं। मार्कस स्टोनिस एक बार फिर स्ट्राइक में। कॉलिन डी ग्रैंडहोम का दूसरा ओवर, पहली बॉल बीट हुए मार्कस स्टोनिस। अगली बॉल और ये सही कनेक्शन, बॉल एक बार फिर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। एक और छक्का मार्कस स्टोनिस के बल्ले से निकलता हुआ, इस बार लॉग ऑफ की दिशा में मैक्सिमम। कमाल का शॉट, अगली बॉल टी ग्रैंड होम की, इस बार सही कनेक्शन नहीं और यह कैच आउट। लेग साइड में शॉट खेलने का प्रयास लेकिन पवेलियन गए मार्कस स्टोनिस। फुल लेंथ की बॉल लेग साइड में घुमाना चाहा, सही कनेक्शन नहीं। बॉल में ज़्यादा दूरी तय करी नहीं और फील्डर्स को कैच दे बैठे। एक आसान सा कैच मिचेल सेंटर के लिए। एलन गैरी अभी स्ट्राइक में, बॉल को पुश करना चाहते थे लेकिन बॉल गई ऑफ साइड में, किस्मत वाले रहे, कैच आउट नहीं हुए। पैट कमिंस अभी स्ट्राइक पे है, स्मार्ट शॉट और 4 रन पैट कमिंस को। चतुराई भरा शॉट,
पैट का हेल्दी एड्स दिया और चाने दिया थर्ड मैन की दिशा में। चौके के साथ पैट कमिंस पारी का आगाज, चार के साथ खोला है खाता अगली बॉल। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन पीछे कोई फील्डर नहीं तो पवेलियन जाना पड़ सकता था पैट कमिंस को। 11 ओवर्स के बाद 88 रन में ऑस्ट्रेलियाई टीम विद द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। मार्टिन गप्टिल अपने खाते का पहला ओवर लेकर एलन कैरी के लिए बॉल, बड़ा हिट लगाने का प्रयास और साई कनेक्शन, ये फ्लैट 6 मिड विकेट के फील्डर के ऊपर से 6। फील्डर एक दर्शक बनकर रह गए। ये देखिए शॉट को, ताकत भरा शॉट, तेजी से बल्ला घुमाया और एकदम सही कनेक्शन, बॉल गई सीधा दर्शकों के पास। फील्डर्स के पास बॉल पकड़ने का कोई मौका नहीं। अगली बॉल इस बार ऑफ साइड में कनेक्शन करने की कोशिश, लेकिन सही कनेक्शन नहीं, पीछे फील्डर, इसी के साथ स्ट्राइक रोटेट। पैट कमिंस एक बार फिर स्ट्राइक में, इस बार बैट नहीं चलाया पैट कमिंस ने। अगली बॉल गप्टिल की, पुश किया और एक रन, जो कि मरा रन है लेकिन पूरा किया। कैरी एक बार फिर स्ट्राइक में, बड़े हिट के लिए गए लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ, काफ़ी दूरी बॉलर बैट के बीच। 12 ओवर्स के बाद 96 रन्स पर ऑस्ट्रेलिया टीम। मिचेल सेंटर अब तक 3 विकेट ले चुके हैं 2 ओवर में 9 रन देकर। पहली बॉल एक अच्छा शॉट ऑफ साइड में, अच्छा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, लेकिन पीछे फील्डर और 2 रन। पैट कमिंस फिर से एक बार स्ट्राइक में, लेग साइड में शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं, फिर से बॉलर बैट में कोई संपर्क नहीं। इस बार कनेक्शन हुआ लेकिन कनेक्शन सही नहीं है, पीछे फील्डर, तेजी के साथ 2 रन पूरे किए दोनों ही बैटर्स ने। रूम बना के शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं। इस बार ये सही शॉट, सही कनेक्शन, अब बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर और मैक्सिमम पैट कमिंस के बल्ले से इस बार स्ट्रेट हिट डाउन द ग्राउंड शॉट, पैट कमिंस के बल्ले से निकलता हुआ ये 6। थर्टीन ओवर्स के बाद 106 रन्स पर ऑस्ट्रेलियाई टीम। पैट कमिंस 10 बॉल्स में 17 रन बना चुके हैं अपनी टीम के लिए। कॉलिन मुनरो अपने खाते का पहला ओवर लेकर, पुश किया और एक रन। पैट कमिंस एक बार फिर स्ट्राइक पे, बाउंसर लेकिन अंदर आती हुई, वाइड बॉल नहीं, विकेट विकेट बॉल रखने की कोशिश, शरीर में बॉल, कोई चांस नहीं देना चाहते पैट कमिंस को। ये बाउंसर थी और साई कनेक्शन नहीं, और पवेलियन पैट कमिंस लगातार बाउंसर्स रखने की कोशिश, अपने प्लान के अकॉर्डिंग फंसाने की कोशिश थी, और उनके चक्रव्यूह में फंस भी चुके हैं पैट कमिंस और पवेलियन। बाउंसर बॉल को फील्डर के ऊपर से खेलने की कोशिश, लेकिन सफलता नहीं मिली पैट कमिंस को और पवेलियन जाना पड़ा। और ये मैक्सिमम लीजिए एलन कैरी के बल्ले से और 6। ये बैट्समैन के ऊपर दबाव बनाना आसान नहीं, यार कर बॉल को भेजा मिड विकेट के ऊपर से दर्शकों के पास, फील्डर्स के पास कोई मौका नहीं, कमाल का शॉट। ये अगली बॉल फिर से एक बार, ये बैक टू बैक सिक्सेस नहीं है, किस्मत वाले रहे मिड विकेट की तरफ कोई फील्डर नहीं।